चिकन मंदी बहुत ही इजी रेसिपी है मेरी वाली, आप ये ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हम चिकन को बॉईल कर लेंगे, फिर थोड़े से प्याज कट कर लेंगे। मीनवाइल हम राइस को भी भिगो देंगे वॉश करके। 2 से 3 कप मैंने बासमती राइस लिए हैं और बेसिक्स हम मैरिनेशन बनाएंगे, दही अदरक लहसुन बेसिक स्पाइसेस और तंदूरी चिकन मसाला। इसको हम अच्छे से मिक्स करके जो बॉइल्ड चिकन के लेग्स हैं उसके ऊपर अच्छे से रब करके हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। और जो चिकन स्टॉक है वो हम रखेंगे अभी, जो राइस बनाने में काम आएगा। फिर थोड़ा सा तेल लेंगे, उसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम पिस्ता और किशमिश को रोस्ट करके निकाल लेंगे। फिर खड़े गर्म मसाले डाल के जो प्याज कट करी थी वो डालेंगे, नमक डालेंगे, हरी मिर्ची, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही और हल्दी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आधे ड्राई फ्रूट्स हम अभी ऐड कर देंगे, राइस ऐड कर देंगे और जो चिकन ब्रोथ हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे और यहाँ राइस को हम अच्छे से होने देंगे। मीनवाइल हमने जो लेग पीसेस मैरिनेट किए थे उसको हम रोस्ट कर लेंगे 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए। आप चाहे तो एयर फ्रायर में कर सकते हैं, चाहे तो ओवन में कर सकते हैं। राइस में थोड़ा सा क्योरा एसेंस डालें, अच्छा फ्लेवर आता है। और लेग पीसेस अच्छे से रोस्ट होने के बाद हियर इट इज़ रेडी।